चिंता मत करो बुलबुल बहन, हम सारे जंगल के पक्षी तुम्हारे साथ हैं, जैसे कि हमारे जंगल का नियम है। आज से हम सारे पक्षी मिलकर तुम्हें रोजाना अनाज लाकर देंगे। सारे पक्षी मिलकर बुलबुल के पति का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दूसरे दिन से सारे पक्षी मिलकर जितना हो सके उतना अनाज बुलबुल चिड़िया को लाकर देने लगते हैं। ये लो बुलबुल, मैं तुम्हारे लिए ये ताजा ताजा सेब लेकर आई थी, तुम और सोनू इसे खा लेना। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। अरे मीनू मौसी, आपने क्यों तकलीफ उठाई, आप रहने देती। मैं बूढ़ी जरूर हूँ लेकिन अभी भी मेरे पंखों में बहुत ताकत है। मैं जानती हूँ अकेले रहने का दुख। उस बुलबुल चिड़िया के तो मजे हैं, उसका पति मर के भी उसके काम आ गया। अब उसे रोज घर बैठे फोकट में खाना मिलेगा, और एक मेरा पति है जो जिंदा होकर भी किसी काम नहीं आता। हमें ऐसे ही भूखे पेट सोना पड़ता है और उसे ही अनाज लाकर खिलाना पड़ता है। तभी कालू के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। रे गोरी, क्या आइडिया दिया है तुमने? अब इस खाली दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं एक काम करता हूँ, मैं मरने का और तुम रोने का नाटक करो। जैसे जंगल में ये बात फैल जाएगी कि मैं मर गया हूँ, सारे पंछी मिलकर मैं भी अनाज ला कर देंगे। आपका दिमाग तो ठीक है ना? अगर हम पकड़े गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हमारे घर के ऊपर वाले माले के कमरे में छुप जाऊंगा, सिर्फ रात होने पे ही बाहर निकलूंगा। गोरी को कालू का आइडिया अच्छा लगता है। ठीक है फिर, मर जाओ जल्दी से। क्या कहा तुमने? अरे अरे, मेरा मतलब है मरने का नाटक करो, आप भी ना कालू जी। फिर क्या था, गोरी जोर जोर से रोने लगती है, सारे पंछी जमा होने लगते हैं। पंछियों ने कालू को पानी में बहा दिया। नियम के मुताबिक सारे पक्षियों ने मिलकर कालू के परिवार को अनाज दे दिया। रात होते ही कालू चुपके से अपने घर आ जाता है। देखा तुमने गोरी, मेरे आइडिया की वजह से अब हम कभी भूखे नहीं मरेंगे। अब कालू को घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। वह घर के ऊपर वाले माले के कमरे में बैठकर पेट भर अनाज खाता और घोड़े बेचकर सो जाता। दो चार दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन, आज अचानक मेरे पेट क्यों गुड़गुड़ कर रहा है? अरे गोरी, लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही खा लिया, मेरे पेट गुड़गुड़ कर रहा है, मुझे जल्दी से टॉयलेट जाना पड़ेगा। छी छी छी, जल्दी से बाहर जाओ नहीं तो आप पूरा घोंसला खराब कर देंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था घर में एक शौचालय बनवा दीजिए, अगर आज आपको बाहर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, पैसे बाद में सोचेंगे, पहले मुझे जाने दो। अरे आज अचानक से मेरा पेट क्यों दर्द कर रहा है, चलो जल्दी से चेक कर आता हूँ। अरे इस वक्त कौन गया होगा अंदर, अब तो मैं आवाज भी नहीं दे सकता। यह बाहर आ गया तो मुझे देख लेगा, इसके बाहर आने से पहले मैं छुप जाता हूँ। लगता है जो अंदर गया था वह बाहर आ गया है, अब मुझसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। अरे यह क्या, मेरा पेट दोबारा गुड़गुड़ कर रहा है, लगता है मुझे फिर से जाना पड़ेगा, शायद अंदर कोई गया है, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। जैसे ही उल्लू ने कालू को देखा वह बहुत डर जाता है। भूत भूत भूत। उल्लू सीधा राजा जी के पास आ जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि कालू जिंदा है और वह हम सबका पागल बना रहा है? राजा जी, जब कालू टॉयलेट से बाहर आया था पहले तो मैं उसे देखकर बहुत डर गया था, लेकिन बाद में जब मैंने उसकी परछाई जमीन पर देखी मैं समझ गया कि वह जिंदा है और वह नाटक कर रहा है। पहले तो मैंने डरने का झूठा नाटक किया और सीधा आपके पास चला आया। अगर ऐसी बात है तो हम अभी कालू के घर जाते हैं और उसके घर की तलाशी लेते हैं। राजा जी, उल्लू और सिपाही सब मिलकर कालू के घर के पास आ जाते हैं। उल्लू घर का दरवाजा खटखटाता है।
गोरी दरवाजा खोल देती है। सिपाही अंदर जाकर छानबीन करते हैं। उन्हें कालू कौवा घर के दूसरे माले पर छुपा हुआ मिल जाता है। सिपाही कालू को लेकर बाहर आ जाते हैं। राजा जी कालू की एक नहीं सुनते और उसे जेल में डाल देते हैं। दूसरे दिन रात के समय, चलो सोने से पहले मैं अपना पेट खाली कराती हूँ। जैसे ही मीनू मौसी टॉयलेट के पास पहुँच जाती है, बुलबुल का पति जैस टॉयलेट से बाहर आ जाता है। भूत! अरे बाप रे, ये मीनू मौसी कहाँ से आ गई? लगता है कालू के जैसे मेरा भी पांडा एक दिन फूट जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताना, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना।